हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो मैं जा रही हूँ टेलर के पास। मेरी बहन ने एक सूट सिलवाया जो उसको नहीं फिट आया, तो सबसे पहले रुकेंगे मामी की दुकान में। मेरी मामी जी है, मेरी रियल मामी है और मेरी नानी का घर है ये। आपने कपड़े रखे हैं? मामी जी बस दुकान में बैठे हैं, देखा मुझे की। और ये मेरी बहन है मोटो, तो ये मुझे ले जा रही है। इसने कुर्ता सिलवाया जो मतलब इसको प्रॉपर नहीं आ पाया, मतलब हेल्दी है काफ़ी ये, तो इसने बोला कि तू सिलवा ले। तो मैंने कहा चल देखती हूँ, पहले मैं कपड़ा देखती हूँ, उसके बाद में तो मुझे पसंद आया तो मैं सिलवा लूँगी। तो पहुँच गए हम टेलर की दुकान नहीं है, उनका घर है ये दीदी। तो बस लिया इन्होंने मेरा माप और बताएंगे। कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट पिंक बेबी पिंक कलर है। तो अब वापस जा रहे हैं और अब देखते हैं जाते जाते मैं सोचे मासी से भी मिलकर जाती हूँ। मेरी मतलब मम्मा की कज़न सिस्टर है, उनके घर जाएंगे और मिलेंगे बहुत टाइम बाद। तो जा रही हूँ मैं उनके घर में भी, तो उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। और इसने मुझे बोला था कि मैं रास्ते में तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगी, बट वो गोलगप्पे वाला मिला ही नहीं आज। मैंने कहा चल अब रहने दे, अब टाइम हो जाएगा, बच्चे भी घर पे हैं। और तो आ गया मेरी मसी जी का घर। ये देखो हमारी भाभी। तो मैंने उनके साथ अपनी मासी को सरप्राइज दिया, भाभी को सरप्राइज दिया। तो मुझे एक और सरप्राइज मिला कि वहाँ इंदु दीदी आए हुए हैं जो बहुत प्यारे हैं। इनसे बातें करना मुझे बहुत प्यारा लगता है और टाइम बाद मिली हूँ इनसे भी, तो मैंने इनका नंबर जरूर ले लिया। तो ये अपना फेस ऐसे छुपा रहे हैं भाभी और ये मेरी सिस्टर, ऐसे जैसे मैं आज इनको मिस वर्ल्ड बनाने वाली हूँ। तो हम बाहर जा रहे हैं, घर जाके देखा तो बच्चे खेल रहे थे ना भी घर में। तो अब मैं शाम को मुझे जाना भी है, मम्मा ने लिए पैसे की शॉपिंग कर ले थोड़ा सा, बच्चों को ला दे। तो गए हम मुगल सन, रात हो चुकी थी। तो नहीं चाबी नहीं करना। तो अब देखती हूँ ये कहाँ गए हैं। और ये देख रहे हैं शायद अपने लिए पैंट, और ये कर रही है मस्ती जो इसका हर टाइम का, और ये डांस कर रही है। तो डांस सिखाने वाला भी आया है। हम लेंगे चिच्चू।